हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साई खुशी क्रिएशंस। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि पांच धान 25 पूर्णिमा का व्रत आप कैसे कर सकते हैं। ये पूर्णिमा का व्रत शरद पूर्णिमा के दिन से शुरू करना होता है। तो कुछ लोगों ने आज शरद पूर्णिमा की है और कुछ लोग कल शरद पूर्णिमा करने वाले हैं। तो जो व्रत वाली पूर्णिमा है वो आप कल कर सकते हैं और खीर वाली आज। तो सबसे पहले जहां पर हमें पूजा करनी है वहां पर हमें चौक मारना है, रंगोली बनानी है। तो ये आप चावल के आटे से भी बना सकते हैं, गेहूं के आटे से भी बना सकते हैं, रंगोली पाउडर से भी बना सकते हैं। और इसके ऊपर आप हल्दी से जरूर बनाएं क्योंकि हल्दी भगवान विष्णु को अति प्रिय होती है। और ये जो पांच धान हम इस पूजा में यूज करेंगे, ये पांच धान में हमने एक ज्वार लिया है, बाजरा लिया है, काले चने लिए हैं और गेहूं लिए हैं और मक्का लिए है। इन सबका आपको आटा पिसवाकर पांच पूर्णिमा तक एक प्रकार का अनाज खाना है। इस तरीके से 25 पूर्णिमा तक आपको पांच तरह का अनाज खाना होता है। ये देखिए, हमने पाटा रखकर उसके ऊपर पीले रंग का कपड़ा बिछाया है। सबसे पहले गणपति जी की स्थापना कर रहे हैं, अब भगवान विष्णु की स्थापना करेंगे। अब भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी की जो पीतल का विग्रह है हमारे पास, हम उसकी स्थापना कर रहे हैं। आपके पास जो भी मूर्ति है आप वही रख सकते हैं। ये देखिए, मक्का लिए हमने, काले चने लिए हैं। इन सबका आपको आटा पिसवाना है। अगर आपके पास काले चने नहीं अवेलेबल हो या किसी कुछ नहीं अवेलेबल हो तो आप जो है बेसन भी यूज कर सकते हैं। एंड सेकेंड थिंग, आजकल सुपर मार्केट में हर तरह का आटे का पैकेट आपको रेडी मिल सकता है, आप वो भी ले सकते हैं। तो ये पांचों तरह का धान, जो पांच तरह का जो धान आप ले रहे हैं जिस पर आप 25 पूर्णिमा करने वाले हैं, वो पूजा में एक एक कटोरी में भर के रखें और भगवान के सामने ये संकल्प लें कि हे भगवान, मैं 25 पूर्णिमा का व्रत शुरू कर रही हूं आज से और ये पांच तरह का धान मैं अपनी 25 तरह की पूर्णिमा में खाऊंगी, जिसमें हमने ज्वार रखा है, गेहूं रखा है, मक्का रखी है, बाजरा रखा है और चने रखे हैं। चने की जगह, जैसे मैंने आपको बताया, आप डायरेक्ट बेसन भी यूज कर सकते हैं मिस्सी रोटी बना के खाने के लिए। और इस व्रत में आपको रात को चंद्रमा निकलने तक उपवास रखना होता है। दिन में आप फलाहार ले सकते हैं, जूस ले सकते हैं, दूध ले सकते हैं, फल खा सकते हैं, साबूदाना खा सकते हैं, ऐसे कुछ भी आप फलाहारी खा सकते हैं। और रात को पूर्णिमा का चांद जब निकल जाए तब चंद्रमा को जल देने के बाद, उसके बाद आपको जो है ये लोटे का जल जो है वो हम दिन भर पूजा में रखेंगे और रात को चंद्रमा उदय होने के बाद इस लोटे से हम भगवान को, चंद्रमा भगवान को जल समर्पित करेंगे। गुड़ चने का प्रसाद रखा है हमने भगवान विष्णु को और केले का, ये सेब के फल रखे हैं हमने। कप कोई भी फल रख सकते हैं लक्ष्मी जी और गणपति जी को भोग लगाने के लिए। फिर भगवान को धूप दिखाएंगे, दीप दिखाएंगे और पूर्णिमा की कथा सुनेंगे। जो भी पूर्णिमा रहेगी आपको उस दिन उसी पूर्णिमा की कथा सुननी है। जैसे आज शरद पूर्णिमा है तो शरद पूर्णिमा की कथा सुनेंगे, जो भी पूर्णिमा है उसी पूर्णिमा की कथा उस दिन आपको सुननी है। कथा सुनेंगे, भगवान की आरती करेंगे और उसके बाद भगवान को नमस्कार करेंगे। 25 पूर्णिमा आप लगातार भी कर सकते हैं। और अगर किसी वजह से कोई पूर्णिमा आप नहीं रख पाते हैं, किसी कारण से कोई पूर्णिमा आपकी छूट गई है, तो आप आगे उस पूर्णिमा को ऐड कर सकते हैं, लेकिन नंबर आपको टोटल पूर्णिमा के व्रत के जो है वो 25 ही रखने हैं। ये सब धान हम भगवान को दिखाएंगे और प्रार्थना करेंगे कि भगवान, मैं पांच पांच पूर्णिमा तक एक एक धान का व्रत करूंगी। जैसे पांच पूर्णिमा तक मैं बाजरे का आटा खाऊंगी। तो आप रात को चंद्रमा को अर्घ देने के बाद जब आप उपवास छोड़ेंगे तो उसी भोजन, उस दिन उसी आटे की रोटी बनाकर आपको अपना उपवास खोलना है और भगवान को भी उसी आटे की रोटी का आपको प्रसाद लगाना है। और ये व्रत आप नमक के रख सकते हैं, आपको मीठे पे रखने की जरूरत नहीं है। लेकिन आप भगवान को मीठा दिखाने के लिए कुछ भी प्रसाद बना सकते हैं, खीर बना सकते हैं, हलवा बना सकते हैं, जो चाहें आप वो बना सकते हैं। तो ये यही एक छोटी सी पूजा विधि है, पांच पूर्णिमा 25 पूर्णिमा पांच धान की। तो अगर ये देखिए, ये फल का प्रसाद भी आप बाद में खा सकते हैं घर में प्रसाद के रूप में। अब आती है उजमन की बारी। तो आपको पांचों तरह का धान 25 पूर्णिमा करने के बाद ही आपको व्रत का उद्यापन करना है। तो जो भी पांच तरह का धान आपने लिया है उसका आपको पांच पांच पाव, यानी कि सवा सवा किलो आपको लेना है। जैसे कि सवा किलो मक्का, सवा किलो काले चने, सवा किलो बाजरा, सवा किलो ज्वार, सवा किलो गेहूं, और इनके ऊपर आप साड़ी रखेंगे, अपनी इच्छा अनुसार पैसे रखेंगे और भगवान विष्णु के प्रसाद के लिए आप भुने हुए चने और गुड़ भी लेंगे साथ में। तो भुने हुए चने और गुड़ जो है वो प्रसाद के लिए हमने लिया है, कुछ मीठा रखते हैं इसलिए। साड़ी ली है एक हमने दक्षिणा के लिए, पैसे लिए हैं, आप जितने भी पैसे रखना चाहें अपनी इच्छा से रख सकते हैं। और ये सारा सवा सवा किलो जो आप अनाज लेंगे, मैं तो आपको
कटोरी में लेके दिखाई हूँ, पांच पांच मुट्ठी मैंने लिया है। अगर आप सवा सवा किलो नहीं लेना चाहें तो आप पांच पांच मुट्ठी हर प्रकार का अनाज लेके उतना भी दे सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि आप सवा सवा किलो ले, या तो आप पांच पांच पाव ले सकते हैं या फिर आप पांच पांच मुट्ठी हर प्रकार का अनाज ले सकते हैं। उसके बाद नमस्कार करेंगे, हल्दी कुमकुम लगाएंगे और ये अपनी सासू माँ को हम पैर छूकर दे देंगे। ये सारा सामान उसके बाद आपकी सास ये खुद भी रख सकती है, ये चाहे तो वो इस सामान को बांट भी सकती है, जैसे भी उन्हें करना है वो कर सकती है। वो अपनी आपको ये अपनी सास को देना है। भगवान को नमस्कार करें। उसके बाद आपको अगर वीडियो प्लीज अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स के साथ शेयर करें और मेरे चैनल साईं खुशी क्रिएशंस को जरूर सब्सक्राइब करें। आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी जरूर करें फॉलो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। थैंक यू।